की सब्जी मंडी में अभी रेहड़ी और फड़ी लगाने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके चलते रेहड़ी व फड़ी लगाने वालों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि करनाल की नई सब्जी मंडी रेहड़ी एसोसिएशन के सदस्य व अन्य लॉकडाउन के दौरान बंद पड़ी फड़ी रेहड़ी को खोलने की मांग लेकर लघु सचिवालय पहुंचे। एसोसिएशन के सदस्यों ने मांग करते हुए कहा कि पिछले लगभग एक महीने से सभी रेहड़ी व फड़ी का कार्य बंद किया गया है, जिसके चलते रेहड़ी व फड़ी लगाने वालों के सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। उनके लिए अपने और अपने परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए वह सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी आर्थिक मदद भी की जाए, साथ ही नई सब्जी मंडी करनाल में रेहड़ी व फड़ी लगाने की अनुमति भी प्रदान की जाए। एसोसिएशन के प्रधान दिलीप कुमार ने बताया कि उन्होंने आज लघु सचिवालय करनाल पहुंचकर तहसीलदार राजबख्श सिंह को ज्ञापन सौंपा है, ताकि उनकी मांग जिला प्रशासन के संज्ञान में आए, साथ ही रेहड़ी व फड़ी लगाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि जब से लॉकडाउन देश में लगा है, वह जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए अपने कामकाज को बंद किए हुए हैं, परंतु अब जब सभी कार्यों के लिए प्रशासन द्वारा ढील दी जा रही है, तो रेहड़ी फड़ी वालों को भी सोशल डिस्टेंस व अन्य नियम व शर्तों को लागू करते हुए कामकाज करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में एसोसिएशन के सदस्य, रेहड़ी व फड़ी लगाने वाले दुकानदार मौजूद रहे। क्या क्या कहना चाहेंगे आज ज्ञापन सौंपने आए हैं? आज भारतीय मजदूर संघ ने एक हमारे को मेमोरेंडम दिया, तो इनका मेमोरेंडम हम डी साहब के माध्यम से इनको प्रधानमंत्री जी को पहुँचाएंगे और जो इनकी मांगेंगे उसके लिए आगे आगे। इनका आरोप है कि कर्मचारियों को निकाला जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ टूरिज्म ने निकाला, एक बार और सर 52 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। हाँ, नहीं ऐसा टूरिज्म से निकाला गया, कोई बात नहीं, देखेंगे मेरी नॉलेज कॉन्ट्रैक्ट के सारे वर्करों को निकाल रहे हैं। थैंक यू, तो देख सकते हैं जो 52। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।